भगवान महावीर के 36 बोलों में से 19वां बोल। भगवान महावीर 20 करोड़ाकरोड़ी सागरोपम में से 19 करोड़ाकरोड़ी सागरोपम बीत जाने पर भगवान महावीर बने, यानी उनका जन्म हुआ। और 19 अतिशय देवकृत होते हैं। 20वें बोले, भगवान महावीर स्वामी को संगम देव ने 20 उपसर्ग दिए। 21वें बोले, भगवान महावीर का शासन 21,000 वर्ष तक चला। 22वें बोले, भगवान महावीर स्वामी को भगवान महावीर स्वामी ने 22 परिशह को समभाव से पूर्वक सहन किया। 23वें बोले, भगवान महावीर 23वें भव में प्रियमित्र नाम के चक्रवर्ती बने। 24वें बोले, भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बने वर्तमान में। 25वें बोले, भगवान महावीर के आत्मा ने 25वें नंदन मुनि के भव में तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन किया। 26वें बोले, भगवान महावीर के 26वें दीक्षा पर्याय में गौशालक का उपसर्ग आया। 27वें बोले, भगवान महावीर ने समकित प्राप्ति के बाद 27 भव किए। 28वें बोले, 28 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर ने अपने भाई से दीक्षा की अनुमति मांगी। 29वें बोले, 29वें वर्ष की उम्र में भगवान महावीर ने वर्षीदान देना शुरू किया। 30वें बोले, भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में दीक्षा ली। 31वें बोले, भगवान महावीर ने 31 वर्ष की आयु में राजगृह नगरी में 31 उपवास अर्थात मास खमन किया। 32वें बोले, भगवान के समोशरण में सूर्याब देव ने 32 प्रकार के नाटक प्रस्तुत किए। 33वें बोले, भगवान महावीर ने समकित प्राप्ति के बाद सातवीं नरक में 33 सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति एक बार पाई। 34वें बोले, भगवान महावीर के 34 अतिशय थे। 35वें बोले, भगवान महावीर के वाणी के 35 अतिशय थे। 36वें बोले, भगवान महावीर स्वामी की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययन है एवं भगवान महावीर की 36,000 साध्वी समुदाय है। सेवम भन्ते सेवम भन्ते, जीन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो तसम इच्छामि दुक्कड़म।